हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंचल और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी इंस्टेंट कढ़ी विद पकौड़ा इन कुकर। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अब मैं इसके लिए एक कटोरी मठा ले लूँगी, या आप खट्टी दही भी ले सकते हैं। और जितनी आपने दही ली है उतनी क्वांटिटी में इसमें पानी भी ऐड करेंगे और इसको फेंट लेंगे अच्छे से। अब मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है और मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी और इसको गुठली इसकी ख़त्म होने तक इसको फेंट लूँगी अच्छे तरीके से। जितना हमने बेसन लिया है उससे हमें 2 गुना पानी लेना है। इसमें 2 कटोरी पानी मैं ऐड कर लूँगी क्योंकि हमें जितना हमने मठा ली थी उससे थोड़ा ज़्यादा ही बेसन का घोल रहता है। अब मैं इसे कर लेती हूँ। अब एक छोटे से कटोरे में पानी ऐड करूंगी, उसमें मसाले ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1/2 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। 1/2 टेबल स्पून ही मैं हल्दी लूंगी और 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा कम मैं लाल मिर्ची ऐड करूंगी और थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड करूंगी। और अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून ही नमक ऐड कर लूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चलिए हम कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कुकर ले लिया है, इसमें मैं ऑयल ऐड करूंगी। 1 चम्मच मैं ले लूंगी पूरा। अब इसे हम गर्म होने के लिए रख देंगे। अब इसमें मैं चुटकी भर हींग ऐड करूंगी और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें मेथी ऐड करूंगी और 1/2 टेबल स्पून ही मैं जीरा ऐड कर लूंगी और 2 मैं इसमें कड़ी पत्ते ऐड कर दूंगी और उनको अच्छे से चला के भून लूंगी। अब देखिए ये भून चुका है। इसमें मैं जो मैंने मसाला ऐड किया था पानी में वो मैं सारा इसमें डाल के अच्छे तरीके से उसे भून लूंगी। इसे हमें कुछ मिनटों के लिए भूनना है। अब देखिए हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है, उसका ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम इसकी आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। मसाला हमारा भुन चुका है, अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। इसका हम फ्लेम ऑफ करके अब हम इसमें जो बेसन का हमने घोल बनाया था वो ऐड कर लेंगे और जो दही का हमने घोल प्रिपेयर किया था वो भी हम मिला लेंगे। दोनों को मिलाकर अच्छे तरीके से मिलाना है। अब कम से कम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से इसको चमचे से चलाकर नॉर्मल इसे बिना गैस के ही हमें मिलाना है। सो मिला लेते हैं। कुकर का ढक्कन लगाकर हमें इसे 3 सीटियां आने तक पकाना है और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, इससे कम नहीं रखना है ना ज़्यादा रखना है। अब कुकर में हम 3 सीटी आने देंगे और उसके बाद में जैसे 3 सीटी आ जाएंगी तो इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। तो अब मैंने 4 चम्मच ही बेसन लिया है, इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लूँगी और जो मैंने प्याज कट करके रखी थी और हरी मिर्ची वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें बेकिंग सोडा मिला लूँगी। मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर लूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करूँगी और थोड़ा सा ही गरम मसाला ऐड करूँगी और टेस्ट के अनुसार मैं इसमें नमक ऐड कर लूँगी। नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि कढ़ी में भी आपने नमक ऐड किया है, सो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इन सबको हम मिला लेंगे। पकौड़ी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं ऑयल ऐड कर लूँगी और उसे गर्म होने के लिए अभी थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, सो हम पकौड़े बनाने की तैयारी करते हैं। अब मैं इसमें बेसन के छोटे छोटे गोल गोल रोल बना के डाल दूँगी और इसे हम पकने देंगे। इसका फ्लेम हमें लो ही रखना है, इसको हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर नहीं पकाना है क्योंकि ये जल्दी ही बन जाते हैं। ऐसे ही हम सारे पकौड़े बना लेंगे। चलिए मैं सारे पकौड़े अब बना लेती हूँ। सो
सो मैंने सारे पकौड़े अब रेडी कर लिए हैं। देखिए हमारी कढ़ी अब बन चुकी है, सो मैं इसको एक बार चला लूँगी और इसमें सारे पकौड़े ऐड करके अब इसको मैं आधे घंटे के लिए या एक घंटे के लिए छोड़ दूँगी। सो इंस्टेंट कढ़ी बनाना बहुत ही आसान है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। सो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। अपना ध्यान रखिए। देखिए रेसिपी बहुत ही ईजी है, मैं इंस्टेंट रेसिपी आपके लिए लेकर आती हूँ। सो ऐसे ही मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।